आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला। हमने लॉजिकल फॉर्मूला को कुछ दिनों में खत्म किया, कुछ लंबा ही चला दिया मैंने इसको, तो हम बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूले पे। सबसे पहला फॉर्मूला आता है एबीएस, मतलब कि एब्सोल्यूट रेफरेंस। मान लीजिए कि आपका डेटा प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो जैसे कि मान लीजिए कि प्लस वाला है वो आपका क्या है, आपका इनकम आया, अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, लेकिन जो माइनस वाले है वो आपको डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट भी तो आपका अर्निंग है। जैसे कि आपकी सैलरी जो है, मान लीजिए कि 10 10 हजार को सैलरी जब मानना ही है, तो मान लीजिए आपकी 50 हजार सैलरी है। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। परमिशन दे देंगे रिकॉर्डिंग की? जी हाँ जी हाँ। मान लीजिए कि आपकी 50 हजार सैलरी है और आपका 10 हजार रुपया क्रेडिट कार्ड से कैशबैक मिला है, तो उस महीने की अर्निंग कितनी होगी आपकी? 60,000। लग रहा है कि 50 हजार की सैलरी पे खुश नहीं है। चलिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपया है और डिस्काउंट आपको 30 हजार मिला है, आप तो खुश हैं। जी चलिए, मानना सर। ही है तो क्या कुछ बड़ा ही माना है ना। ये मैं पहला बार यूज किया था जब मैं एक बार नेस्टेड इफ पढ़ा रहा था, तो उस समय मैंने बोला कि मैं क्या बोल रहा है कि हमारी इंसेंटिव मान लीजिए कि 10 हजार है, 15 हजार है, 20 हजार है, तो एक सेल्स का, उसमें एक था सेल्स का बंदा, वो बोलता है सर इतना इंसेंटिव मिलता कहाँ है, क्योंकि मानने में क्या हर्ज जाता है, मानना है तो 50 लाख ही मानो ना, कौन सा जेब से देना है। चलिए, तो यहाँ पे प्लस और माइनस में है, तो अब मुझे इसका जोड़, अब यहाँ पे बातें बहुत हो गई, वापस आते हैं अपने डेटा पे। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे इसका सम निकालना है, तो अगर मैं नॉर्मली सम निकालूंगा तो क्या होगा, प्लस वाला प्लस होगा और माइनस वाले माइनस हो जाएंगे, रिजल्ट आपका गलत आएगा। तो मुझे करना है कि माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है, तो किसी माइनस वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एबीएस का, मतलब एब्सोल्यूट रेफरेंस। कर सकते हैं, हालांकि एक और तरीका है कि आप माइनस को माइनस में लिख दें तो आपका आ जाता है। ठीक है, हेलो। जी सर, यस सर। फिर प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, लेकिन प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, बट ये सर दिक्कत है, अगर अगर मेरे पास माइनस माइनस प्लस होता ही है तो ये एबीएस फॉर्मूला आया क्यों? क्योंकि अगर यहां पे लगाना है, अगर मैंने माइनस माइनस प्लस कर दूंगा तो प्लस माइनस माइनस होता है ना। वो करेक्ट 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 गॉट इट। सर लग रहा है ना सर, आपको 1 आध केजी बादाम खाना हो, 100 200 ग्राम से काम चलने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एवीएस फॉर्मूला, या एवीएस फॉर्मूला के आगे भी बहुत यूज करेंगे तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद बाकी कॉस थीटा साइन थीटा, हाँ इसमें एक फॉर्मूला है एग्रीगेट का, ये फॉर्मूला यूजफुल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको कुछ नंबर्स हैं, मुझे इस नंबर्स को सेव सम करना है, तो क्या बोले सर सम करने में कौन सी बड़ी बात है, द सम सम हो गया। लेकिन एक सिंपल सी थ्योरी है कि किसी फॉर्मूले की इनपुट में अगर एरर है, किसी फॉर्मूले की इनपुट में अगर एरर है, देन यू कैन गेट द आउटपुट आल्सो द एरर। तो मुझे क्या करना है कि इस एरर को इग्नोर करके सम करना है। तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं, पहली चॉइस है कि मैं इफ एरर का फॉर्मूला इस्तेमाल करूं बगल में और इसमें बोल दूं कि अगर ये एरर है तो 0 कर दे और फिर नीचे तक ड्रैग कर दूं और फिर इसको सम कर दे, इसको बोला जाएगा हार्ड वर्किंग। दूसरा है हमारे पास कि हम यहां पे एग्रीगेट का फॉर्मूला लगाएं, एग्रीगेट के फॉर्मूले में यहां हम सम को सेलेक्ट कर लें और हम यहां पे बोले कि भाई इग्नोर एरर वैल्यू, इसको सेलेक्ट कर लिया और हमने इसको सेलेक्ट करके हो गया स्मार्ट वर्क। तो एग्रीगेट फॉर्मूला क्या करता है कि ब्लैंक को, एरर को, फिल्टर को इग्नोर करता है और रिजल्ट देता है।
एग्रीगेट फॉर्मूला 2016 ऑनवर्ड है, आई थिंक 2013 में भी नहीं है। जिन लोगों ने ऑफिस 365 लिया है वो तो कर ही सकते हैं। इसका एक और यूज है, लेकिन इसके लिए मुझे एक चाहिए डेटा। इसमें चलो डैशबोर्ड वन का ही डेटा उठा लेता हूं। अब जैसे कि मेरे पास डेटा है यहां पे, और मैंने मान लीजिए कि यहां इसका टोटल निकालना है, ठीक है। तो इक्वल मैंने यहां पे टोटल का देता हूं टोटल, और यहां पे देता हूं सम, और सम में मैंने सेलेक्ट कर लिया पूरा का पूरा एरिया। रिजल्ट आ गया 1341। अब लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मुझे देखना होता है, तो हमने इसको फिल्टर किया, यहां से हमने इसको फिल्टर किया यहां से कि दिल्ली एंड ओके। तो अब मैं दिल्ली के नीचे देख, दिल्ली में मान लीजिए चलो ठीक है, मैंने यहां पे एक काम करता हूं, हमारे न्यू स्टूडेंट का फिल्टर लगा देता हूं। तो यहां पे रिजल्ट तो 1341 ही आ रहा है ना सर, क्या बोल रहे हैं? मतलब ये पूरा एच कॉलम को ही ले रहा जितना सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किए। जी हाँ, तो हमारे पास इसके दो फॉर्मूले हैं। एक है हमारा ओल्ड मैन, मतलब कि सब टोटल। सब टोटल इसमें क्या करना है आपको, इसमें सब सम ही नहीं, एवरेज काउंट मिनिमम मैक्सिमम सब कर सकते हैं, मुझे सम करना है तो मैंने सम को सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं यहां पे रेफरेंस में आया और अपने रेफरेंस को सिलेक्ट कर, तो ये सब टोटल का फॉर्मूला क्या करता है, ये करता है सम, मतलब टोटल, जैसे कि सम काउंट मिनिमम मैक्सिमम जो भी करना है वो सिर्फ ये करता है आपका, जैसे हमने एक्टिव सेल मतलब विजुअल सेल्स ओनली, समझे, विजुअल सेल्स ओनली। लेकिन इसमें भी किसी तरह का एरर आ गया तो ये आपका नहीं देता, इसलिए मैं बोला था ये ओल्ड मैन है, समझे। तो यहां पे सब टोटल के जगह पे भी आप एग्रीगेट का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्रीगेट। और यहां पे मैंने सम को ले लिया, कॉमा किया, हमने बोला इग्नोर हिडन रो एंड एरर वैल्यू, जो फिल्टर लगता है जो रो हाइड होती है वो हिडन रो कहलाती है, हिडन रो एंड एरर वैल्यू, और फिर हमने इसको रेफरेंस को सिलेक्ट कर लिया। तो टोटल भी देगा और साथ में हिडन को भी इग्नोर करेगा। तो नवीन जी, नवीन जिन्ना जी, कोई डाउट इसमें? सर नो नो सर, को हिडन कॉलम सर, कॉलम भी कह रहे हैं, हिडन कॉलम वही जो फिल्टर मारने के बाद बच जाता है, राइट, वो भी करेगा, ट्राई कीजिएगा। और एग्रीगेट को आप ऐसे मत समझिए, एग्रीगेट का या सब टोटल का भी एक यूज है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, चलिए बोलेंगे सर, कहीं मन में बोले रहते सर, सिर्फ दिखाते ही रहते हैं सर। एग्रीगेट तो सिर्फ 2016 ऑनवर्ड होगा ना, मतलब 2013 के ऑनवर्ड है ना, 13 में आई थिंक नहीं होगा, मुझे याद नहीं है क्योंकि 13 काफी टाइम से यूज नहीं कर रहा हूँ, बट 16 तो लास्ट कुछ दिन पहले तक यूज था, मतलब डेढ़ दो साल पहले, डेढ़ साल तक पहले यूज करता था तो मुझे याद है। अब ट्राई कर लीजिएगा, नेम का एरर आ गया मतलब नहीं है, नेम का एरर नहीं आया मतलब क्या है, ठीक है। एक ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाह रहे हैं जो कि एग्रीगेट और स्लाइसर पे बना हुआ है। स्लाइसर याद है या भूल गया है? याद है सर। देखिए यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स का डेटा है, लिख रहा है आपको सर, ह्यूमन रिसोर्स का डेटा है, इसमें नेम है, हायर डेट है, सेल सैलरी है, बोनस है, ओवरटाइम है, डिपार्टमेंट है, लीव सिक डेज है, एंड परफॉर्मेंस स्कोर है। तो यहाँ पे रिपोर्ट बना हुआ है, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, रिपोर्ट बना है कि दो डिपार्टमेंट के बीच का कंपेयरिंग, दो डिपार्टमेंट के बीच का कंपेयरिंग विथ ऑल डिपार्ट ऑल एम्प्लॉई,
जैसे कि मैंने अकाउंटिंग को सिलेक्ट किया तो अकाउंटिंग में टोटल एम्प्लॉय 10 है, 34,000 है इसकी मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम एवरेज 57 है, मैक्सिमम 58,000 है, ऐसे पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो ये स्लाइसर है और स्लाइसर क्या कर रहा है, देखिए मैंने अकाउंटिंग पे सेलेक्ट किया कि ह्यूमन रिसोर्स के डेट यहाँ पे डेटा में, डेटा में इसी डेटा को उसने दो बार रिपीट कर दिए हुए हैं, ठीक है सर। यहाँ सिर्फ ह्यूमन अकाउंटिंग का डेटा ही फिल्टर होता है क्योंकि ये क्या लगा है, टेबल है। हम स्लाइसर टेबल पे भी लगा सकते हैं ना जी सर। और फिर इसने ऊपर देखिए क्या लगा रखा है, एग्रीगेट। ओके समझ गए। तो एग्रीगेट इसमें से, इस कॉलम में से टोटल करता है, एवरेज निकालना है किसका, एवरेज निकालना है मान लीजिए सैलरी का एवरेज निकालना है तो यहां पे इसका एवरेज निकालना है सैलरी का, यहां बोनस का है, यहां ओवर टाइम का, और इसी को यहां इसे लिंक कर दिया हुआ है। और आप देख रहे हैं कितना अच्छे तरीके से, मैं कितने अच्छे तरीके से हुआ, समझ गए। इसलिए कोई फॉर्मूला कोई फॉर्मूला छोटा बड़ा नहीं होता है, आए बने सर। यस सर। अब एग्रीगेट फॉर्मूले से आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एल्बिक फॉर्मूला। हमारे पास जैसे कि रोमन नंबर लिखता है आप लोग की नहीं सुने थे, भूल गए रोमन नंबर, या जैसे फाइव को भी राइट वही है क्या, टेन को एक्स, उसी को रोमन नंबर कहते हैं। यस यस याद है। चलिए चलो बादाम खाए, बादाम खाए। चलिए तो यहाँ पे मैं रोमन नंबर यूज करूंगा, तो रोमन में रोमन लिख जाते हैं क्योंकि नॉर्मली लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो रोमन नंबर में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ सीरियल नंबर रोमन नंबर चाहिए, तो यहाँ आप रो का फॉर्मूला लगा दीजिए, रो का फॉर्मूला है, ठीक है। तो रो के फॉर्मूले से माइनस वन कर दीजिए, ये आ गया आपका 1, 2, 3। सर ये समझा नहीं, ये क्या तो रो क्यों लगाया, सीरियल नंबर लगाया और okay. इसको रोमन में डाल दीजिए आ जाएगा ऑटोमेटिक सीरियल नंबर। लुकअप इसमें रेफरेंसेस क्लासेस में ऑटोमेटिक सीरियल नंबर देने के लिए। यस यस यस। अब मुझे इसको वापस मान लीजिए ये तो चलो अगर मान रोमन नंबर में है, मुझे वापस इसको नंबर में कन्वर्ट करना है जो अरेबिक नंबर होता है उसमें, मतलब कि तो हमारे पास अरेबिक का फॉर्मूला होता है जो कि रोमन नंबर को वापस कन्वर्ट करता है जो इंग्लिश सीरियल नंबर या अरेबिक नंबर जो भी कर लीजिए होता है उसमें। ओके यस वेरी गुड थिंग। ये हमारा अरेबिक का होता है। अरेबिक के बाद हमारे पास आता है राउंड का फॉर्मूला।
हमने कुछ नंबर अगर राउंड में दिए हैं, राउंड में फिगर है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है राउंड का, जो कि इसको नियरेस्ट में राउंड करता है। दूसरा है हमारा राउंड अप का, जो कि इसको अपर में करता है। यहाँ पे जीरो के जगह पे डेसिमल प्लेसेस डाल दीजिए, जितना डेसिमल प्लेस करना है आपको, और एक राउंड डाउन का, क्योंकि हमेशा नीचे की तरफ डाउन करता है। मतलब कि राउंड डाउन हमेशा 12 ही दिखाएगा, राउंड अप अगर 12.26 हुआ फिर भी उसको 13 ही दिखाएगा, कुछ भी होगा, मतलब 12 से ज़्यादा है तो 13 ही दिखाएगा। राउंड नियरेस्ट मैं 12.53 होगा तो 12.53 होगा तो 6 दिखा देगा, ठीक है। लेकिन मुझे नंबर को राउंड करना है, जैसे कि आप एफडी कराने जाते हैं ना, तो आपको बोलते हैं कि भाई आपको एफडी तो करा सकते हैं लेकिन 500 के मल्टीप्लेक्स में। मतलब ऐसा नहीं कि आप 4500 रुपए के एफडी करा सकते हैं, नहीं, आप 4500 के करा सकते हैं या फिर 5000 के करा सकते हैं, समझे। ये छोटा नंबर था तो हमें निकाल लिया, लेकिन बहुत बड़ी अमाउंट होते कैसे निकाले, तो उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक है फ्लोर, फ्लोर नहीं सर, एक राउंड है, सेलिंग है, सेलिंग है, सेलिंग मैथ दोनों एक ही होता है। सेलिंग हमने नंबर डाला और हमने बोला यहाँ, सॉरी ये नंबर ये डालना है ना, नंबर ए डाला और सिग्निफिकेंट हमारा हो गया 500। तो मैं कितना भी बड़ा नंबर डालूंगा वो उसको कन्वर्ट कर देगा, समझ गए। मतलब कि आप मोबाइल फोन लेते हैं तो आप 1 सेकेंड बात करें या आप 59 सेकेंड बात करें, पैसा तो आपको 60 सेकेंड का ही लगना है ना सर। अगर आप यहां पे मान लीजिए, अगर यहां पे मान लीजिए आपने 63 सेकेंड बात कर लिया फिर भी 120 सेकेंड का निकालना है, तो 60 का मल्टीप्लेक्स है ना, ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सेलिंग का फॉर्मूला है। सेलिंग इसको सेलेक्ट किए, सिग्निफिकेंट दे दीजिए, आपके सामने आ गया, ओके। Yes. और इसके लोअर, ये तो हाई में जाता है ना, लोअर में जाना है तो आप इसके लिए जैसे हो ना यहाँ पे 43,566, तो आपको 44,000 करना है या फिर 45,500 करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम फ्लोर लगाते हैं। फ्लोर हमने यहाँ पे नंबर दे दिया और सिग्निफिकेंट दे दिया, क्या आपको एक आइए या एक आइए, सेम यहाँ भी है आपका, आ गया फ्लोर सर। हेलो सर, कोई डाउट इसमें। 43,000 वाला एक बार देखिए, 500 सेलेक्ट किया था क्या सिग्निफिकेंट के लिए, 43,500। हाँ ये, हाँ तो ये 43 लोअर आ गया ना, ये 43,566 है तो 566 तो नहीं करेगा, 500 कर सकता है या 44,000 कर सकता है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल की क्लास में इससे आगे की चीजों पे डिस्कस करेंगे, ओके?